मेरे अरे बनता है तो रास्ते हम दोनों जब भी डांस करते हैं ना ऐसी, आखिर वो मान ही गए, मानना पड़ा। नमस्कार, बॉलीवुड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। साथ जैसे आपको पता है हम समय समय पे बात करते हैं रियलिटी शोज और शोज के बारे में। तो आपको पता है आज हम बात करेंगे, आपको ये पता नहीं होगा लेकिन बता देती हूँ कि डांस दीवाने के बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा कि माधुरी दीक्षित का इस वीक में बर्थडे है और मदर्स डे भी स्पेशल वीक है ये। तो देखिए एक क्लिप सामने आई है, एक प्रोमो आया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा इमोशनल, जी हाँ काफी ज्यादा इमोशनल क्लिप है, बहुत ज्यादा इमोशन से भरी हुई क्लिप है ये। जी देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि ईशा और सिद्धार्थ नाम के दो कंटेस्टेंट ये लोग डांस करते हैं, और करते कौन से सॉन्ग में डांस है, जो माधुरी दीक्षित का ही मूवी का किसी का सॉन्ग है। काफी अच्छा सॉन्ग होता है, इसमें दोनों लोग ये परफॉर्मेंस करते हैं। माधुरी दीक्षित को काफी बहुत अच्छा लगता है परफॉर्मेंस, ये अप्रिशिएट करती है, इनफैक्ट खड़े होके भी अप्रिशिएट करते हैं ये लोग। तो क्या है, बहुत मतलब जो इनका परफॉर्मेंस है वो तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। इनफैक्ट इसका सबसे अच्छा सीन वो था जब ये लोग परफॉर्मेंस करते हैं तो ऊपर भी मतलब इन्हीं का लगता है कि ये लोग खड़े हैं और नीचे भी। एडिटेड है या रियल है इसका तो पता नहीं, लेकिन ये रियल ही है। दो कंटेंट मतलब वो अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये मतलब एक तरीके से पहले आफ्टर और बिफोर दिखाया गया, वो मुझे काफी अच्छा लगा। इसके बाद क्या होता है कि ये लोग माधुरी दीक्षित का बर्थडे है, जैसे कि ये लोग उनको बुलाते हैं और वो बैठती हैं और उनके लिए भी डांस करते हैं। इतना अच्छा लगता है उन्हें, वो काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती है माधुरी दीक्षित, और कहती है आज तक का मतलब डांस दीवाने का सबसे अच्छा गिफ्ट है ये। जी हाँ, आपको मैं बताना चाहूंगी कि माधुरी दीक्षित के बर्थडे पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर कोई है तो वो यही है। इसमें क्या होता है, इसके बाद जब ये परफॉर्मेंस एंड हो जाता है बोलती है माधुरी दीक्षित आप लोगों का काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, और इनफैक्ट जो सिद्धार्थ है उन्हें वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मासी जैसी हूँ, तुम्हारा ये जो गिफ्ट है मुझे काफी अच्छा लगा, ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा मुझे, और जब भी तुम लोग डांस करते हो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा दिल है वो बाहर आ गया, मुझे काफी अच्छा लगता है। तो इतना जितना भी कम्युनिकेशन हुआ है, ये देखिए इसके बाद की जो क्लिप है वो वाकई में बहुत सही क्लिप है, सही मीन्स बहुत इमोशनल क्लिप है। पहले इतना देखिए फिर इसके बाद का हम आगे देखते हैं। अरे रे अरे बनता है तो रास्ते हम दोनों जब भी डांस करते हैं ना ऐसे दिल निकल के हाथ में आ जाता है मेरा तो। और आज आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है तो मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहूंगी जो आप हमेशा याद रखें। और मेरा गिफ्ट पता है कहाँ है, वहाँ है। देखिए आपने क्लिप देख ली होगी, तो देखिए क्लिप अच्छी थी, लेकिन अब जो बात होने वाली वो बताती हूँ। इसके बाद माधुरी दीक्षित बोलती है आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, इनफैक्ट सिद्धार्थ को बोलती है तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, रिटर्न गिफ्ट तो बनता है, मैं तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूंगी जो शायद आप कभी नहीं भूल पाओगे। सिद्धार्थ वो बोलते हैं हाँ मैम बिल्कुल। तो मैं आपको इसके पहले थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ, जो सिद्धार्थ है वो डांस दीवाने के ऐसे कंटेस्टेंट है जिनके पेरेंट्स उनके डांस के खिलाफ थे और उनके डांस से बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और सिद्धार्थ को इस बात का हमेशा दुख होता था कि उनके पेरेंट्स नहीं आते हैं। इनफैक्ट डांस ने कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग्स चलाए, उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप आइए सिद्धार्थ का परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद भी उनके पेरेंट्स एग्री नहीं हुए। अब आते हैं सरप्राइज पे जो माधुरी दीक्षित देने वाली है। एक्चुअली वो उनके माता पिता को बुलाया उन्होंने और वो थे उधर पे, तो वो भी काफी ज्यादा रो रहे थे, इतना ज्यादा रोए सिद्धार्थ, जी हाँ बहुत इमोशनल होकर रोने लगे वो। तो ये जो सीन था वाकई में अच्छा था। तो इस पे भारती सिंह भी इमोशनल हो जाती है, कहती है हमने आपको इतनी कोशिश की बुलाने की, इतनी कोशिश की बुलाने की, लेकिन आप नहीं आए। डांस दीवाने ने भी इतनी कोशिश की है। सिद्धार्थ हर वीक जहाँ पे फैमिली मेंबर्स बैठे रहते हैं वहां पे देखता कि मेरे पेरेंट्स आए हैं कि नहीं आए हैं। माधुरी दीक्षित भी काफी ज्यादा, सब इमोशनल हो जाते हैं, सुनील शेट्टी के इंप्रेशन देखने लायक होते हैं, काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत इमोशनल क्लिप है। बैकग्राउंड में देख रहे होंगे आप सबके फेस के इंप्रेशन काफी ज्यादा सैडली है। तो आप इसके आगे की क्लिप देखिए, क्योंकि मेरे बताने से बेटर है कि आप उसे थोड़ा सा देखें और फील करेंगे। एक पेरेंट्स अगर जब अपने बच्चों की चाहत मतलब बच्चा जो चाहता है उससे एग्री नहीं होते तो उसे कैसा फील होता है, ये देखिए आप एक बार। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी ये लास्ट क्लिप है इसी के साथ, तो आप इसे देखिए। और भी इस इन्फॉर्मेशन के लिए बन रही है बॉलीवुड समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आखिर वो मान ही गए, मानना पड़ा। Oh